और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में मुख्तलिफ तरह की आती स्कीमों के लिए फंड्स की मंजूरी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए 69.53 करोड़ रुपए की मंजूरी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा। सुबह पंजाब में मुख्तलिफ सेक्टर्स की तरक्याती स्कीमों के लिए 10 तरक्याती स्कीमों के लिए 23,56,10,90,000 रुपए के करीब मंजूरी दे दी गई है। और इस इजलास की सदारत चेयरमैन महकमा तरक्याती मनसूबाबंदी बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की, जिसमें पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर एंड सैनिटेशन मनसूबा पायलट फेज कलस्टर साउथ टू थ्री लियाकतपुर के लिए 2,10,00,00,000 रुपए जारी किए मंजूरी दी गई है। इसी तरह पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर एंड सैनिटेशन मनसूबा जो सेंट्रल वन बवाना के लिए 90 करोड़ रुपए के करीब मंजूरी दी गई है। इसी तरह तहसील खैरपुल भावरपुर में 1,33,00,00,000 रुपए और इसी तरह फेज क्लस्टर नॉर्थ के लिए 1,44,00,00,000 रुपए की मंजूरी दी गई है। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल लाहौर में एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर रेडियोलॉजी लॉन्ड्री एंड पैथोलॉजी डिपार्टमेंट तरमीमी की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। और पंजाब में ऑनलाइन शुमारियाती निजाम की तरक्की तरमीमी के लिए 60 करोड़ रुपए से जायद की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से महकमा खजाना पंजाब को बाकायदा इन्वाइस जारी की जा रही है कि ये फंड भी जारी किए जाए। जी बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें आगाह कर रहे थे।